आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि राइम को हिंदी में क्या कहते हैं। तो राइम को हिंदी में हम बोलेंगे तुकबंदी। अभी तुकबंदी क्या होती है? ए राइम इज ए वर्ड और फ्रेज दैट हैज द सेम एंडिंग साउंड एज अनदर वर्ड और फ्रेज। तो जैसे गानों में, कविताओं में ऐसे होता है कि भाई जहां पर कविता खत्म हो रही है, तो लास्ट में जो अक्षर आ रहे हैं वही पहली लाइन के लास्ट में जो अक्षर आ रहा है वही दूसरी लाइन के लास्ट में आ रहा है। मतलब तुकबंदी, एक जैसा जो मिल रहा है ना उसको बोलते हैं राइमिंग। एग्जाम्पल, राइम्स आर ऑफन यूज इन सॉन्ग्स एंड पोएम। गीत और कविता में अक्सर तुकबंदी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।